प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का, बढ़ते हैं खबर की ओर। रायबरेली में डलमऊ में कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि मेला में हर साल लगभग लाखों की संख्या में गंगा घाट पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में गंगा घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है, घाटों पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नगर निगम की टीम भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपके बाद इस समय यहाँ डलमऊ गंगा घाट पे खड़े हुए हैं हम लोग। यहाँ पर टेस्ट देने आए थे, मगर यहाँ पर जब हम लोगों को सांस लगी तो हमने कहा आओ चले शौचालय, तो यहाँ पर देखिए इतनी गंदगी इतनी है, यहाँ पे कांटा आटा पड़े हुए हैं, हम लोग के पैर में भी कुछ गए हैं। 3 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा का मेला है और कहा जाता है कि यहाँ पे 10 से 15 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे यदि शौचालय की बात की जाए, फिर वस्त्र परिवर्तन की बात की, वहाँ पे गंदगी का काफी अंबार देखने को मिला। तो आप लोग यहाँ पे शौच करने के लिए आए तो आपको गंदगी मिली यहाँ पे? हाँ, हमको बहुत गंदगी मिली। 10 से 15 लाख श्रद्धालु भी आएंगे, उनका क्या होगा? हम लोग 3 ही लोग हैं, हमारा क्या होगा? मतलब हम लोग इतनी तेल लगी हुई थी, हम लोग आए थे मगर फिर भी नहीं करने को मिला है। यहाँ पे डलमऊ पे आए हुए हैं घाट पे। 3 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा का मेला है और ये शौचालय बना हुआ है पुरुष का, तो क्या इसमें साफ सफाई है या नहीं? जी नहीं सर, हम अभी आए थे, हम लोगों के यहाँ तो टेस्ट है, ऐसे प्रैक्टिकल बच्चे यहाँ कैसा लिखते हैं, कैसा पढ़ते हैं, उनके टीचर कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ पे आए थे हम लोग टेस्ट देने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शौच करने आए थे, तो यहाँ पे अंदर देखे तो बहुत गंदगी थी, इससे बहुत बीमारियाँ फैलेंगी। आम जनता के पास पैसा नहीं है, कोई भी आएगा यहाँ पे दूषित होगा सर, वो गरीब आदमी होंगे, वो तबीयत खराब होगी सर, दवाई कराने जाएंगे पैसे भी नहीं रहेंगे, उससे उनकी जान भी जा सकती है। और हमारा निवेदन है कि जो यहाँ पे साफ सफाई यहाँ पे करवाएं, अच्छा व्यवस्था दें, यहाँ पे जनता है वो अच्छे आदमी को चुनती है कि वहाँ पे सफाई साफ सफाई रखे, गंदगी ना फैलाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलवंत हमारे साथ जुड़ेंगे। बलवंत, बताया जा रहा है कि डलमऊ में कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो रही है और आपने बताया कि जिस तरह चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ, प्रशासन अभी तक ना कोई व्यवस्था की है। जी नंदनी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार 6 महीने से तैयारियां कर रहे थे, बैठकों का दौर अधिकारियों का चल रहा था, लेकिन डलमऊ नगर पंचायत अधिकारी जो भी कर्मचारी है ना तो सामुदायिक शौचालय पे ध्यान दे रहे हैं। और 6 महीने से हम बात कर रहे हैं, 6 महीने से अधिकारियों का बैठकों का दौर चल रहा था कि कार्तिक पूर्णिमा पे, और जबकि 2021 में डलमऊ का ऐतिहासिक जो प्रांतीय मेला लगता है इसमें से 10 से 15 लाख श्रद्धालु स्नान करने आते हैं डलमऊ गंगा घाट पर, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किस तरह से मंसूबों पर सरकार के पानी फेरा जा रहा है आप कैमरे में देख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि डलमऊ गंगा घाट की, तो डलमऊ गंगा घाट की बात करने के अलावा यहाँ पे जो सामुदायिक शौचालय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके निर्माण कराया था, आप तस्वीरों में साथ देख सकते हैं कि किस तरह से, और महज 3 दिन बचे हैं, कार्तिक पूर्णिमा मेला है और 3 दिन प्रशासनिक अधिकारी सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके द्वारा। और देख सकते हैं कि किस तरह से आप सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा, और 3 दिन बचे हैं कार्तिक पूर्णिमा, जबकि यहाँ से लोग कहते हैं 6 तारीख से लोग आना जाना शुरू हो जाता है, लोग बैठ गाड़ी से बैठ कर आते हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इस बार ट्रैक्टर से रोक लगा दी है, ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ कर दूसरे धाम आते हैं। आपने कोरोना में सारी गंदगी दिखाई और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो केवल खाना प्रवृत्ति कर रहे हैं, अभी तक वो प्रशासनिक और पंचायत की ओर से कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और न प्रशासनिक अधिकारी, और जबकि केवल खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। और जनपद की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव तो भी यहाँ के चक्कर लगा चुके हैं डलमऊ गंगा घाट के, और जबकि सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है लेकिन उसको किस तरह से मंसूबों पर पानी फेरा जाता है नगर पंचायत डलमऊ द्वारा। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने डलमऊ गंगा घाट पर महिलाओं के जो वस्त्र बदलने के लिए उनका निर्माण कराया गया था डलमऊ गंगा घाट पर, लेकिन हम वहां पर वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा, वो तस्वीरें भी बयां करना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा वो भी तस्वीरें दिखाए जो महिलाओं को सरकार कह रही है कि सजग बनाने के लिए, और किस तरह से काटियों झाड़ियों में ये तब्दील होता जा रहा। मैं अपने कैमरा पर्सन मान से ये कहूंगा, दिखाऊंगा ये तस्वीरें भी दिखाएं जो कांटों और अव्यवस्थाओं के चलते
10 से 15 लाख लोगों को यहाँ पे अव्यवस्थाओं का दंश झेलना पड़ेगा। हालांकि वीडियो की अभी तक सफाई कर्मचारी आ चुके हैं फिलहाल सफाई करने के लिए, जब तक उनको खबर लगी है नगर पंचायत की मीडिया की, वहां प्राइम टीवी की टीम कवरेज करने गई है, तो देख लीजिए आप खुद यहाँ पे किस तरह बैठे हैं। लेकिन मैं अभी आपको और भी जो महिलाओं के लिए वस्त्र, उसके लिए दिखाया गया है वस्त्र परिवर्तन का केंद्र बनाया गया है जो सरकार द्वारा बड़े ही, वो भी दिखाना चाहूंगा तस्वीरें जो गंगा घाट पे आपको दिखाना चाहूंगा, वो तस्वीरें भी दिखाए अपने कैमरा मैन से कहूंगा। सरकार ने भले ही लाखों रुपए खर्च करके निर्माण कराया हो, लेकिन जो गंदगी लगी है और सबसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वस्त्र परिवर्तन के लिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण महिलाओं के वस्त्र परिवर्तन के लिए डलमो गंगा घाट पर निर्माण कराया था। और मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि वो गंदगी की तस्वीरें दिखाए, ये वस्त्र परिवर्तन वाले के अंदर किस तरह से ये बयां कर रही है कि आप देख सकते हैं। ये अपने कैमरा मैन पर्सन से कहूंगा तस्वीरें साफ दिखाए, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी किस तरह मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम डलमो गंगा घाट पे, महज 3 दिन बचे हैं और कार्तिक पूर्णिमा जो ऐतिहासिक कार्तिक मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 10 से 15 लाख लोग आते हैं। सबसे बड़ी मुद्दे की बात, क्या जनपद की तेज तर्रार जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव 3 दिन के अंदर क्या कर पाएंगे, अब ये बड़ा सवाल ये उठने वाला। आप बलवंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।